हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम के 5 बज रहा है यहाँ पे। मैं राजा बेटा यहाँ चॉकलेट रखा था तो ये खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, खाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं वही इनको खिला रही हूँ थोड़ा सा। तो 6 मंथ के हो गए, तो अब मतलब 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, अब 7 मंथ हो जाएगा इनका, 15 जनवरी को हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ खिलाते रहते हैं अब। तो अभी शाम के 5 बज रहा है, अभी मुझे किचन में भी काम है खाना वाना बनाने का, तब तक सब्जी काटना है अभी वगैरह वगैरह, तो मैं तब तक इनको खिला देती हूँ क्योंकि ये भी परेशान कर रहे हैं खाने पीने के लिए। तो और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैं पूरा वीडियो दिखाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और मुझे बनाना था आलू गोभी की भुजिया और थोड़ा सा दाल। तो मैं देखिए आलू गोभी की भुजिया मतलब उधर बना रही हूँ, इधर छोटे वाले कुकर में दाल बिठा देती हूँ और ये भी तब तक बन जाएगा। और राजा बेटा भी अभी अपनी दादी के यहाँ खेल रहे हैं, वो भी कब परेशान बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो जल्दी से मैं बैठा दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि आज कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो यही मतलब आज यही मतलब मैं वीडियो यही डाल दूँगी। तो देखिए भुजिया बन गया है, मैं नमक डालूँगी इसमें और उसके बाद से ढक दूँगी, और तब तक दाल बिठा देती हूँ बनता रहेगा, तब तक मैं थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ। और मेरी दाल भी बन चुकी है, मैंने मतलब मीडियम फ्लेम पे बस एक सीटी लगाया था क्योंकि मसूर और अरहर का दाल था तो ये तो गल ही जाता है। तो मैं इधर पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म करके थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें क्योंकि बहुत गाढ़ा है दाल। बस थोड़ा सा, सब लोग बाहर गए थे तो सब लोग खाना बाहर ही खा के आएंगे, तो इसीलिए मम्मी जी कहेंगे थोड़ा सा ही बनाना, तो बस मम्मी जी और मैं और मेरे हबी जी बस हम ही लोग खाने के लिए हैं, तो इसीलिए कम ही थोड़ा सा बनाया है। और तब तक बाबू भी आएंगे परेशान करने लगेंगे, तो यहाँ मैं रूम सब फैलाई ठीक कर दे रही हूँ। और ये नाइट ड्यूटी जाते हैं ना, तो इसमें कंबल और एक छोटी सी तकिया रख लेते हैं, तो नाइट ड्यूटी में जब मतलब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा सो लेते हैं। तो इसी वजह से अब तो शिफ्ट बाई ड्यूटी लगती है, तो अब तो 10 दिन बाद इनकी नाइट ड्यूटी लगेगी, तब तक मैं इसको बेड में डाल देती हूँ, बाहर रखा रहेगा इधर उधर, तो मैं इस बैग को बेड के अंदर डाल दूंगी। और अभी यहाँ पे अभी राजा बेटा पूर्णिमा स्वर्णिमा के साथ खेल रहे हैं, अगर रहते हैं तो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, खेलते रहते हैं तो मैं बिस्तर से यहाँ नहीं पाती हूँ, ठीक नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए
उधर खेल रहे हैं तब तक मैं बिस्तर ठीक कर ले रही हूँ, और ये दो चार कपड़े थे इधर सोफे पे रखे थे तो इसको भी फोल्ड करके मैं अलमारी में रख दूंगी। और ऐसे बाबू खेलते रहते हैं ना तो तकिया कैसे नोचते हैं, नोचते तो उसमें का रस्सी भी निकाल दिए हैं, तो मैं तकिए में भी लगा लेती हूँ उसमें जो रस्सी बांधने वाला होता है। तो और उसके बाद से देखूँगी अब राजा बेटा को भी निपुल धोना है, निपुल में दूध भरना है तो उनको भी पिला दूँगी। और तो मेरा खाना बन गया है, मैं बना कर रख दी हूँ, रोटी बस बनाना है। तो क्योंकि दाल सब्जी बन जाता है ना तो रखा रहता ठीक रहता है, अब जब आदमी खाने बैठता है तो आराम से तुरंत रोटी बना दो तो खा लेता है आदमी। तो देखिए यहाँ पे मैं रस्सी निकल के तो मैं क्लिप के सहारे से लगा रही, जो ऐसे बाल में लगाने वाला क्लिप होता है ना, ऐसे टिक टॉक क्लिप वही वाला है, तो उसी से मैंने इस रस्सी में डाल दिया, उसी से मैं लगा दूंगी, इसे आसानी से लग जाता है। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ मैंने स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि मतलब ये चाय का बर्तन था ना शाम के टाइम का चाय का बर्तन, तो वही धुल रही थी, जल्दी धुल रही थी तो स्वेटर कहाँ थे, ऐसे गीला हो गया नीचे का तो मैंने निकाल दिया। मैंने सोचा अभी पहनूंगी, बट तब तक मैं यहाँ सोची कि अरेंज कर तो पहनती हूँ। अब मेरा बिस्तर लग गया, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय बाय।